हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ऑल। आई होप सब ठीक होगा, बेहतर होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप सब और टॉपिक्स का अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉन फाइनाइट्स या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप तो समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नॉन फाइनाइट्स। नॉन फाइनाइट्स होता क्या है, नॉन फाइनाइट्स कैसे काम करता है, नॉन फाइनाइट्स को कौन कौन से और नाम से जाना जाता है, नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत कौन कौन से और भी पॉइंट्स आते हैं, ये सब चीजें आज के क्लास में इंक्लूड होगी। और आज की क्लास हम लोग नॉन फाइनाइट्स की करेंगे। जैसा कि पिछले क्लासेज में हम सब ने डिग्री पढ़ा, डिग्री के पहले हम सभी ने कंजक्शंस पढ़े, कनेक्टर्स पढ़े, क्लॉजेस पढ़े, वॉइस पढ़े, नरेशन पढ़े, टेंसेस पढ़े, बहुत सारे टॉपिक्स जो कि हम लोगों के ग्रामर के कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ड्स को पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट्स क्या है, किसके अंतर्गत आता है, सबसे पहले उसको जानेंगे। जैसा कि हम सभी वर्ब पढ़ चुके हैं, वर्ब सभी बच्चे जानते हैं। अब वर्ब कितने प्रकार का होता है, वर्ब क्या होता है, तो बहुत से विद्यार्थी कहेंगे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनिटिव वर्ब, जीरंड वर्ब, रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब या वर्ब के फॉर्म्स यूज करने लगेंगे। तो जैसा कि वर्ब का ही एक प्रकार होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। तो हम लोग वर्ब को तो पढ़ेंगे लेकिन उसके पहले हम लोग नॉन फाइनाइट को जानेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों इम्पोर्टेंट है और नॉन फाइनाइट्स होता क्या, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉन फाइनाइट्स हमारा वर्ब का ही एक पार्ट है। वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब वो होता है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार चेंज हो जाए वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। और जो वर्ब अपने नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार न चेंज हो, जैसा लिखा जाए वैसे ही वो हूबहू बना रहे, वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है या नॉन फाइनाइट्स कहलाता है। फाइनाइट वर्ब एक ही तरीके से कार्य करता है, बट नॉन फाइनाइट्स वर्ब जो होते हैं या नॉन फाइनाइट्स जो होते हैं वे दो तरीके से कार्य करते हैं। एक तो सेंटेंस में वो वर्ब की तरह कार्य करेंगे, एक्शन की तरह उनका डिनोशन होगा, लेकिन दूसरा ये या तो नाउन बन के आ जाएंगे या तो ये एडजेक्टिव बन के आ जाएंगे। रहेंगे तो ये एग्जैक्टली वर्ब ही, लेकिन इनका रूप, इनका कार्य बदल जाएगा। देखने में ये वर्ब की तरह ही लगेंगे लेकिन जब आप इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे तो ये या तो वर्ब एडजेक्टिव की तरह कार्य करते नजर आएंगे और या ये नजर आएंगे नाउन की तरह कार्य करते हुए। तो जैसा कि हम सभी देख लिए हैं नॉन फाइनाइट्स जिसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक तो वर्ब होते हैं और दूसरा कहीं ना कहीं ये नाउन बन जाते हैं, कभी ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, तो इनका रूप दो हो जाता है और वर्ब और एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही पार्ट कहलाते हैं। इसलिए ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक नाउन का कार्य, एडजेक्टिव का कार्य और एग्जैक्टली ये एक वर्ब होते हैं, इसलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने डायग्राम में पढ़ रखा है, देख लिया है, थ्री टाइप्स के ये होते हैं तीन तरीके से। एक होता है इन्फिनिटिव, दूसरा इसका प्रकार होता है जीरंड। जीरंड को वर्बल नाउन भी कहते हैं, टीजीटी के एग्जाम में आया था जीरंड का दूसरा नाम क्या है, तो इस तरीके से आ जाता है, या नॉन फाइनाइट्स का दूसरा नाम क्या है, तो ये जीरंड है जो कि वर्बल नाउन कहलाता है और ये हमारे सेंटेंस में एज अ नाउन कार्य करता है। रहेगा तो ये वर्ब ही लेकिन नाउन की तरह कार्य करेगा, कैसे आगे हम इसको समझेंगे अभी। और ये तीसरा इसका प्रकार होता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आता है और एडजेक्टिव के साथ कोई ना कोई नाउन रहेगा, इसलिए ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा। तो जब हमेशा ध्यान रखना है वर्ब अपने बेस फॉर्म में हो, टू के साथ एड हो या विदाउट टू हो, तो उसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। और जब वर्ब अपने बेस फॉर्म में ना हो करके आईएनजी फॉर्म में हो और एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट कार्य करे, नाउन की तरह कार्य करे, तो वो जीरंड कहलाता है या वर्बल नाउन कहलाता है। और जब पार्टिसिपल यानी वर्ब एडजेक्टिव के रूप में
आपका आईएनजी हो, व्हाइल प्लस आईएनजी हो, या बीइंग हो, या वर्ब थर्ड फॉर्म हो, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, हैविंग बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ऐसे रूप में हो तो उसको पार्टिसिपल कहते हैं। वन बाय वन समझने का प्रयास करेंगे। हमने बताया कि वर्ब नाउन की तरह कार्य करे, वर्ड वर्ब एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो पार्टिसिपल कहलाएगा, और जीरंड जब आईएनजी के फॉर्म में तो वर्ब रहे लेकिन वो नाउन की तरह रहे तो वही वर्ब हमारा नाउन की तरह कार्य करेगा तो जीरंड कहलाएगा, लेकिन वही वर्ब आईएनजी की तरह रहे और एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो पार्टिसिपल कहलाएगा। देख लेंगे कैसे, देखिएगा इन्फिनेटिव को अभी हम लोग इग्नोर करते हैं, जीरंड और पार्टिसिपल को पहले देखेंगे। यदि सेंटेंस में लिखा हो वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दूसरा लिखा हो व्हाइल वॉकिंग आई I saw you drinking wine। ठीक है, अब देखेंगे हम सभी कैसे, यहाँ भी ing है, यहाँ भी ing है, यहाँ भी ing है, लेकिन ध्यान रखना है कहाँ हम सभी देखेंगे कि नाउन एडजेक्टिव की तरह आ रहा है वो पार्टिसिपल हो जाएगा, और जहाँ हम लोग देखेंगे नाउन वर्ब नाउन की तरह आ रहा है वही जीरंड कहलाएगा। देखना है वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आपने एक बार पढ़ा था वॉइस में कि जब आपको सब्जेक्ट ढूंढना हो तो आप क्या करते हैं, हू का यूज करते हैं। जब आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ढूंढना हो तो वॉट का यूज करते हैं या हुम का यूज करते हैं। तो आप वॉट और हुम का यूज करेंगे तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिल जाता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि क्या, तो क्या वॉट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आया तो क्या, अब क्या से कोई ना कोई नाउन आंसर मिलेगा, क्या गुड एक्सरसाइज या व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आंसर आएगा वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। व्हाइल वॉकिंग आई सॉ यू, टहलते हुए मैंने तुम्हें देखा, तो आई देखिए एक प्रोनाउन है और आई के लिए ये वॉकिंग आईएनजी आया है तो ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पर ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट के बाद देखिए तुरंत हेल्पिंग वर्ब आता है, आई सॉ यू ड्रिंकिंग वाइन, तो क्या करते हुए मैंने तुम्हें देखा, आपको ऑब्जेक्ट मिल गया और ये जीरंड नाउन की तरह है क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे नाउन या प्रोनाउन ही आता है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, वर्ब नहीं आ सकता, लेकिन ये वर्ब बन गया नाउन, वर्ब तो है ही लेकिन ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है इसलिए ये जीरंड कहलाएगा। यही वर्ब एडजेक्टिव की तरह यहाँ कार्य करता तो हम लोगों का ये पार्टिसिपल है। तो इसलिए वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और जीरंड फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म उसको हम लोग कहते हैं, थर्ड फॉर्म को पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं और जीरंड फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी और ये यहाँ भी आईएनजी एडजेक्टिव की तरह और यहाँ आईएनजी नाउन की तरह। तो ये हम लोग समझ लिए होंगे, कुछ और एक्सरसाइज हम लोग देख सकते हैं। सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है, कह दिया जाए ही सॉ मी
फाइंडिंग बुक्स। तो यहाँ भी देखिए ही सॉ मी फाइंडिंग बुक्स, तो क्या करते हुए पाया, बुक्स खोजते हुए पाया। ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि आईएनजी और नाउन के पहले आईएनजी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। और टर्निंग टू द लेफ्ट ही सॉ मी एट वंस, की बाएं मुड़कर उसने मुझे तुरंत देख लिया, तो ये भी हमारा क्या है, लेफ्ट L-E-F-T, लेफ्ट एक नाउन है और नाउन के पहले आईएनजी एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, इसलिए जब एडजेक्टिव की तरह वर्ब कार्य करे तो पार्टिसिपल कहलाता है। यदि एडजेक्टिव की तरह न कार्य करके वर्ब नाउन की तरह कार्य करे तो वो जीरंड कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग पार्टिसिपल और जीरंड को समझेंगे। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बस इसके कार्य को समझना है कि जब आईएनजी के साथ यूज हो और एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो वही आईएनजी पार्टिसिपल बन जाता है, और आईएनजी की तरह कार्य करे नाउन बन जाए तो वही जीरंड कहलाता है। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि आप इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, बस जब इसका रूप नाउन बन जाए तो ये जीरंड, और जब ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैं आईएनजी की बात अभी कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की से हम लोगों ने आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरंड के रूप में देखा। अब इसी जीरंड को हम लोग इन्फिनिटिव से कैसे कोरिलेट करेंगे उसको समझना है आपको। तो देखेंगे हम लोग आईएनजी के साथ हो तो उसको वर्बल नाउन कहते हैं, या हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, जीरंड कह सकते हैं। और यही जब वर्ब टू के साथ हो तो भी हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, और दूसरा होता है फुल इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव में क्या होता है, विदाउट टू होता है, विदाउट टू होता है बेयर इन्फिनिटिव में। और फुल इन्फिनिटिव में क्या होता है, विथ टू, ठीक है। ये अंतर है विदाउट और विथ, विदाउट और विथ में देखेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हो, यानी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हो, तो ये हम लोगों का फुल इन्फिनिटिव कहलाता है। कैसे इसको समझेंगे हम लोग, एक ही सेंटेंस को हम सभी जीरंड के फॉर्म में भी बोल सकते हैं और उसी सेंटेंस को हम लोग इन्फिनिटिव के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, मीन्स टू का यूज कर सकते हैं और विदाउट टू का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए टू वॉक इज गुड फॉर यू, ये कह सकते हैं सेंटेंस, और हम ये भी तो कह सकते हैं वॉकिंग इज गुड फॉर यू, ठीक है ना। यहाँ पे हम सभी ने देखा ये सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, ये भी सब्जेक्ट की तरह आ रहा है, लेकिन ये क्या है, इन्फिनिटिव टू है, इन्फिनिटिव टू है, और ये हम लोगों का जीरंड है। यदि हम सेंटेंस को के सब्जेक्ट को नाउन की तरह वर्ब को यूज करके जीरंड बना सकते हैं, तो उसी सेंटेंस को हम टू के साथ डिनोट करके इन्फिनिटिव के फॉर्म में भी रख सकते हैं। ऐसे बहुत से वर्ब्स हैं जिनके साथ हम सभी फिक्स टू को लिखते हैं, और जिसको टू हटा देकर आईएनजी फॉर्म अगर लग जाए तो जीरंड कहलाता है। जैसे एक सेंटेंस हम ये भी देख सकते हैं, ही टोल्ड मी टू हेल्प, उसने हमें हेल्प करने को कहा, ही फाउंड मी हेल्पिंग हिम, या हेल्पिंग, ही फाउंड मी हेल्पिंग, या ही टोल्ड मी हेल्प टू हेल्प। तो यहाँ पे देखिए टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव स्टाइल हो गई, और फाउंड के साथ आईएनजी, तो ये हम लोगों का जीरंड हो गया। इसका मतलब क्या, तो मदद करते हुए, या उसने मुझे मदद करते हुए पाया, या हम लोग कह सकते हैं ना कि ही सॉ मी स्टील
पर्स या ही फाउंड मी स्टीलिंग पर्स। ही फाउंड मी स्टीलिंग हिज पर्स। तो ये स्टीलिंग हम लोगों का जीरंड है, और अगर यही फिर टू होता तो स्टील इज नॉट गुड। तो देखिए चोरी करना है ना, या स्टीलिंग इज नॉट गुड। चोरी करना दोनों बात सही है। यहाँ टू से आप बोल रहे हो तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, और यहाँ आईएनजी से बोल रहे हो और ये वर्ब नाउन की तरह कार्य कर रहा है, तो ये हमारा जीरंड कहलाएगा। बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल, जैसा कि हम सभी ने पढ़ा कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को जानने के लिए समझना होगा कि इसमें क्या अंतर है पार्टिसिपल में। तो पार्टिसिपल में यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल थ्री कंडीशन को अप्लाई करता है। कौन कौन सा? पहला, एक साथ दो कार्य। दूसरा, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य। तीसरा हम लोगों का कंडीशन होता है वर्ब की आवृत्ति। तीन कंडीशन अप्लाई होते हैं, थ्री कंडीशन, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इन तीनों कंडीशन में हम सभी को आईएनजी फॉर्म ही यूज करना है। और कैसे यूज करना है? एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव। इस प्रकार से वन बाय वन समझेंगे। तो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब हम लोग इसको डिटेल करते हैं। पहला कंडीशन प्रेजेंट पार्टिसिपल हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल नहीं पढ़ रहे हैं। एक साथ दो कार्य मीन्स वॉट? अगर हम ये बात कहें आई वॉज सिंगिंग एंड यू वर डांसिंग, एक साथ दो कार्य। आई वॉज सिंगिंग एंड यू वर डांसिंग। दूसरा कंडीशन एक कार्य के तुरंत बाद, अगर हम कहें आई सा अ लायन फुल स्टॉप, आई फ्लेड अवे। आई सा अ लायन, आई फ्लेड अवे। तो क्या हुआ? मैंने एक लायन को देखा और मैं क्या तुरंत भाग गया, भाग निकला। कि लायन देखने के बाद सोचा समझा फिर भागना स्टार्ट किया, बिल्कुल नहीं। इट्स नेचुरल कंडीशन, हम लोग तुरंत लायन को देखेंगे तुरंत भागेंगे, ऐसा है। तो हो जाएगा सींग अ लायन, आई फ्लेड अवे, है ना। देखिए सींग अ लायन, लायन एक नाउन है, नाउन के पहले सी और आई एन जी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, तो ये हम लोगों का प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। आई सॉ लायन, आई फ्लेड अवे, तो मैंने शेर को देखा और मैं भाग लिया, यानी कि शेर को देखकर मैं भाग गया। इस तरीके से हम लोगों का ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आई वॉज सिंगिंग एंड यू वर डांसिंग मीन्स वॉट? जब मैं
गीत गा रहा था तब तुम नृत्य कर रहे थे, इस सेंस में एक साथ दो कार्य, तो हम लोगों का ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन और वर्ब की आवृत्ति, कई बार हम सभी बोलते हैं जाते जाते वह रुक गया, चलते चलते गिर पड़ा, खाते खाते सो गया, पढ़ते पढ़ते उठ गया, है ना। इस तरह से बोलते ना कि बैठे बैठे सो गया, पढ़ते पढ़ते बात करते करते चुप हो गया, बोलते बोलते गिर पड़ा। तो ये क्या हो रहा है, वर्ब की आवृत्ति हो रही है। ऐसे कंडीशन में हम सभी को क्या अप्लाई करना होगा, आईएनजी फॉर्म लेकिन व्हाइल के साथ। कई बार लोग कहते हैं इसको बना के दिखाओ, तो ये हो जाएगा व्हाइल ईटिंग फूड ही स्लेप्ट, खाना खाते खाते वह सो गया। व्हाइल ईटिंग फूड ही स्लेप्ट, भोजन करते करते वह सो गया। तो इस तरीके से जब हम लोगों को कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है तो व्हाइल का यूज करते हैं, और ऐसे में हम सभी प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये यूज है। अब हम सभी इसको और भी अच्छे से समझेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के तीन कंडीशन हम सभी ने अप्लाई कर दिए, तीन कंडीशन हमने देखे। अब हम सभी को समझना होगा कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग यूज करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को, फिर यही बात एडजेक्टिव की तरह, बट कैसे। यदि हम कहें आई लॉस्ट माय पर्स, आई फाउंड इट, आई लॉस्ट माय पर्स, आई फाउंड इट, मैंने मेरा पर्स खो दिया था, मैं उसे पा गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे ही तो बोल सकते हैं आई लॉस्ट या आई फाउंड माय लॉस्ट पर्स। तो अब ये क्या है, लॉस्ट, लॉस्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पर्स एक नाउन है, नाउन में के आगे एडजेक्टिव बन गया। इस सेंटेंस में मेन वर्ब तो फाउंड है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये सब ऑब्जेक्ट बन गए, परंतु देखिए ये नाउन पर्स है, पर्स के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह आया, तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया पास्ट पार्टिसिपल कहलाया। इट्स वेरी इजी, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे कह देता आई फाउंड माई लॉसिंग पर्स, तो लॉसिंग गलत हो जाता, लॉस कह देता तब भी गलत हो जाता। जब तक वर्ब का थर्ड फॉर्म ना यूज करे, लॉस्ट जब तक ना यूज करे, तब तक हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट है, और ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम में आते हैं। और देखिए एक है ना, आई फाउंड माई लॉस्ट चाइल्ड, तो देखिए चाइल्ड एक नाउन हो गया और नाउन के पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब ये क्या है, ऑप्शन प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जीरंड या इन्फिनिटी, तो ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। इस तरीके से हम सभी समझे लिए, और देख सकते हैं जल गया था, तो ये क्या है, बॉन्ट एक एडजेक्टिव की तरह आया, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई सॉ अ बॉन्ट बॉय, बॉन्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बॉय नाउन है और ये एडजेक्टिव की तरह आया, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, या तो अंडरलाइन कर देगा, या तो बर्निंग बॉय कर देगा, बॉन्ट बॉय कर देगा, बर्न बॉय कर देगा, तो हम सभी को एग्जैक्ट फॉर्म यूज करना है वर्ब का,
बर्न्ड मतलब मैंने जब देखा तो लड़का जल चुका था, यानी कि जला हुआ लड़का मैंने देखा, इसलिए बर्न्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम सभी ने पास्ट पार्टिसिपल को प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छे से समझ लिया। अब हम सभी सीखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल में वर्ब एडजेक्टिव कितना आएगा, परंतु अब इसका रूप हो जाएगा हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये दो रूप में परफेक्ट पार्टिसिपल कार्य करता है। इसमें हम सभी का क्या कंडीशन होगा? इसमें हमारा कंडीशन होगा एक कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद दूसरा कार्य, ये हम सभी का कंडीशन होगा। इसमें हमारा कंडीशन एक कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद दूसरा कार्य। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, देखने में वही सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, देखने में वही सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल लगेगा, लेकिन सुटेबल क्या होगा अकॉर्डिंग टू मीनिंग हम सभी को डिफाइन करना होगा। तो क्या हो जाएगा? एक कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद दूसरा कार्य, कंडीशन हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे ये सेंटेंस हम दे रहे हैं आपको, कह सकते हैं आई फिनिश्ड माय वर्क, आई वेंट माय होम। मैंने मेरा काम खत्म किया, मैं घर चला गया। तो काम खत्म करने के तुरंत बाद घर नहीं गए, बीच में प्रोसेस हुआ, बैग पैक किए, लॉक किए, आफ्टर दैट गाड़ी स्टार्ट किए, चलाए, फिर घर पहुंचे। इस तरीके से हम सभी ने एक कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद एक जो गैप दिया, एक दो पॉज दिया, एक दो सिजोरा दिया, वो हम सभी का परफेक्ट पार्टिसिपल को डिनोट कर रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं हैविंग फिनिश्ड माय वर्क आई वेंट माय होम। काम खत्म करके हम घर चले, मैं घर चला गया। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और देखिए माय ब्रदर स्कोल्डेड मी आई, या कर सकते हैं इसको माई ब्रदर स्कोल्डेड मी आई डिड नॉट रिप्लाई। तो यहाँ पे देखिए ऐसे हो सकता है हैविंग बीन स्कोल्डेड माई ब्रदर I did not reply। ऐसे हो जाएगा, यानी कि कार्य having been कब लगेगा? जब दो सेंटेंस दिए हो, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो having been लगेगा। अदरवाइज एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम हो तो having been नहीं लगेगा, सिर्फ having प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, having been नहीं लगाएंगे। अब हम लोग कुछ और मिसलिनियस एग्जांपल देखेंगे। तो क्या हम सभी रिवाइज किए? हम सभी ने सीखा कि जब नॉन फाइनाइट और फाइनाइट की बात आती है तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हम सभी इसको कई प्रकार से करते हैं, इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और बेयर इन्फिनिटिव में विदाउट टू हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। जीरंड में नाउन की तरह वर्ब काम करेगा, आईएनजी की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह, वर्ब की तरह, प्रीपोजिशन की तरह, सब्जेक्ट की तरह, तो वो हम सभी का जीरंड कहलाएगा। और पार्टिसिपल तीन प्रकार से देखेंगे, इसमें से हम सभी ने
प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा आईएनजी, इसके तीन कंडीशंस थी। पहली कंडीशन एक कार्य के तुरंत बाद, दूसरा कार्य एक साथ दो कार्य और वर्ब की आवृत्ति। फिर पास्ट पार्टिसिपल में हम सभी ने सीखा वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, एडजेक्टिव की तरह कार्य करे। और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य की पूर्ण समाप्ति के बाद दूसरा कार्य हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है। उसमें हम सभी लोग परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखिएगा इसको कैसे समझना होगा ओवरऑल कि क्या एग्जैक्टली यूज होगा। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि सेंटेंस में कह दे आई टर्न्ड टू लेफ्ट, आई फाउंड योर एड्रेस, आई टर्न्ड टू लेफ्ट, आई फाउंड योर एड्रेस। मैं बाएं मुड़ा और मैंने तुम्हारा एड्रेस पा लिया। तो इसको कैसे कर सकते हैं? पहला ऑप्शन टू टर्न लेफ्ट, आई फाउंड योर एड्रेस। दूसरा हैविंग टर्निंग लेफ्ट, आई फाउंड योर एड्रेस। टर्न टू टर्न लेफ्ट, आई फाउंड योर एड्रेस। और टर्निंग टू लेफ्ट, आई फाउंड योर एड्रेस। और चौथा ऑप्शन आपको दे देगा हैविंग बीन टर्न्ड लेफ्ट, आई फाइंडिंग योर एड्रेस। विच वन इज करेक्ट? जो मीनिंग भी कंप्लीट करे और अपना पैटर्न भी ना चेंज करे, जो कि नहीं होना चाहिए। फाइंड आउट द आंसर। आई टर्न्ड टू लेफ्ट, आई फाउंड योर एड्रेस। इसको हम लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो टू टर्न गलत हो गया क्योंकि इसका रूल है टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसलिए ये गलत। हैविंग टर्निंग, हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है? इसको आप ध्यान से समझिएगा। टर्निंग टू लेफ्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य। हैविंग बीन टर्न्ड लेफ्ट, टू हटा दिया है, इसमें क्या हो जाएगा? हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कौन सा हम लोगों का सही है? एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य, बाएं मुड़ा और एड्रेस पा गया, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हम सभी ने सीखा कि किस प्रकार से पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव और जीरंड के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को समझना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ये हमारा पार्ट वन था। पार्ट टू की क्लास में, सेकेंड क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, किन किन वर्ड्स के बाद आईएनजी लगता है, किन किन वर्ब्स के बाद टू लगता है, या टू के को किन के साथ नहीं यूज करना है, बिना टू के आईएनजी, ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट रूल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सेकेंड क्लास में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, रिवीजन करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।